भाई आजकल समाज में एक बड़ा तेजी से प्रचलन चला हुआ है, एक तो टैटू का, कि लोग क्या करते हैं अपने शरीर पर भगवान हनुमान जी या भगवान शिव या फिर माँ भगवती का टैटू बनवा लेते हैं। और कुछ लोग जो हैं इतने महान अपने आप को बनाते हैं कि देवताओं को अपने गले में लटका के चलते हैं। तो आज की ये हमारी जानकारी इसी विषय पर रहेगी। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अंशुमन शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना केंद्र यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पर स्वागत करता हूं। आग्रह निवेदन, आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट में जय गौ माता की जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों विषय पर आगे बढ़ते हैं, अद्भुत जानकारी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। भाई आजकल एक समाज में एक होड़ मची हुई है, कोई तो खाटू श्याम जी की तस्वीर को गले में लटका लेता है, कोई हनुमान जी की, कोई शरीर पर उनको खुदवा लेता है। अरे भाई क्या आप लोगों को इन देवताओं की पावर का अंदाज़ा भी है कि ये किस पावर से संपन्न है, इनमें ऊर्जा कितनी थी, और जो आप इनकी तस्वीर के साथ जो अपमानित स्थिति कर रहे हैं क्या आपको इसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। अरे युगो युगो तक इतिहास गवाह है इस चीज का, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लाखों हजारों वर्षों तक तपस्या करके भी इनके दर्शन कर पाना संभव नहीं था। और आज आप एक सोशल मीडिया जो आज के टाइम में जिसके माध्यम से आपको ये तस्वीरें अवेलेबल हो जाती हैं, क्या आप उसके माध्यम से इन देवी देवताओं का ऐसा मजाक बनाएंगे? क्या आपको ये जानकारी है कि आप गृहस्थ जीवन में होकर, आप संसारिक जीवन में होकर भला सन्यासी भी इस चीज़ से डरते हैं, वो भी पीछे हटते हैं, उनमें भी इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो किसी देवी देवताओं की प्रतिमा को अपने शरीर पे खुदवाएं या फिर अपने गले में डाल के चढ़ें। और आप लोगों ने जो मजाक बनाया हुआ है इस चीज़ का कि कोई हनुमान जी के, भाई हनुमान जी की जिनकी आप पावर को शायद भली भांति नहीं जानते हैं, ये वही हनुमान जी हैं जिनकी 36 फुट हाइट थी, ऊर्जा से इतने संपन्न थे कि जिन्होंने रावण को पटके दे दिए थे, बाली को हिला के रख दिया था। तो फिर आपकी औकात क्या है? क्या आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि प्रतिमा को गले में जब आप लोग डालते हैं, दिन में आप कितनी बार वॉशरूम जाते हैं, कितनी बार आप फ्रेश होते हैं, तो क्या आप उस समय नियमों का पालन करते हैं कि प्रतिमा को उस गंदी जगह पर नहीं लेके जाना है? क्या गृहस्थ जीवन में एक संसारिक जीवन जीने वाले के लिए क्या प्रतिमा का शरीर पे खुदवाना उचित है? क्योंकि हमारा धर्म शास्त्र तो ये कहता है कि वही देवी देवताओं को स्पर्श भी तब करिए जब आप स्नान से निवृत्त हो जाएं, स्नान से शुद्ध हो जाएं। अब आप लोगों में कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे कि मन का शुद्ध होना जरूरी है। भाई मन का शुद्ध आज के इस युग में तो संभव नहीं है, क्योंकि ये संसार में जो आज डिजिटल माध्यम से जो जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उनके माध्यम से मन का मलिन होना तो संभव है। तो कम से कम आप तन को शुद्ध करके ही ईश्वर से मुलाकात करने का प्रयास कीजिए। मैं दावा करता हूं कि यदि आप शरीर पे भगवान की प्रतिमा बनवा कर और गले में यदि आप किसी भी देवी देवता की प्रतिमा लटका कर अगर ये सोचते हैं कि ईश्वर आपके करीब है, आपकी इसी गलती ने ईश्वर को तो आपसे कई जन्मों के लिए दूर कर दिया है। इसका आपको अंदाजा नहीं है कि इसका दुष्परिणाम आपको क्या भुगतना पड़ेगा, कि आपने उनमें ईश्वर को माना है और आप उन ईश्वर को जगह देकर उनको आप शुद्धता के स्थान पर आप उनको लेके नहीं चल रहे हैं, अशुद्धता वाली जगह पे भी आप उनको लेके गले में या शरीर पर। भाई आप धर्म का मजाक उड़वाना बंद कीजिएगा, ईश्वर का आपके लिए नाम काफ़ी है, ईश्वर की धारणा आपके हृदय में काफ़ी है। आप लिखवा कर क्या शरीर पे हृदय में भगवान को स्थान दे सकते हैं? अरे लिखवाने से ईश्वर को स्थान नहीं मिलेगा, आपके मन की कामना से, आपके मन की आस्था से ईश्वर स्वयं आपके हृदय में स्थान धारण कर लेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो हनुमान जी को अपने गले में लटकाएं। भला ये कैसे संभव है कि हम देवी देवताओं को अपने गले का हार बनाएं? अरे हम उनके गले का हार बनने के योग्य नहीं हैं, मैं तो कहता हूँ बल्कि उनके पैरों में पड़ी हुई मिट्टी के योग्य भी नहीं है कि उस मिट्टी का हमें कुछ चंद कतरा मिल जाए मस्तिष्क पर लगाने के लिए। तो फिर भला आप लोग भगवान को अपने गले का हार, ये हार ही तो हुआ है, इसमें आप अपने तर्क वितर्क जरूर देंगे कि हमने तो ऐसा नहीं किया, परंतु उसका जो स्वाभाविक स्वरूप है वो तो आपके गले के हार की शोभा ही बढ़ा रहा है ना।
आप देवी देवताओं को सम्मान दीजिएगा, हृदय से दीजिएगा, और जहाँ पर भी आप स्थान देते हैं घर में, वहाँ पे भी आप उठने बैठने का ध्यान रखिएगा। और भाई गले में मत लटकाइएगा, चाहे आप किसी भी देवता में अपनी आस्था रखते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी पावर हैं। जिन लोगों को आप मजाक समझते और गले में लटका के चलते हैं, तो ईश्वर आपका तभी साथ देगा जब आप उसके सम्मान का ख्याल रखेंगे। आपकी भक्ति ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है, क्योंकि आपसे बड़े बड़े भक्त इस धरती पे पैदा हो चुके हैं और ईश्वर में लीन हो चुके हैं, और बहुत से आज भगवान की भक्ति में तैयार भी बैठे हैं, भक्ति की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपका अगर ईश्वर को आपसे कुछ ज़रूरत है, तो वो केवल सम्मान की है। गले में लटका कर या शरीर पे टैटू बनवा के आप भगवान को कभी सम्मान नहीं दे पाएंगे। मैं आपको ये गहरे अध्ययन के बाद ये जानकारी मैंने आप लोगों को समर्पित की है। आशा करता हूँ कि आप खुद भी अगर इस प्रकार की गलती कर रहे हैं तो आप उसको सुधारेंगे। अगर कोई आपके सामने दूसरा भी इस तरह की गलती कर रहा है, तो आप उससे भी सुधरने की कामना करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं गले में धारण करने के लिए, शरीर में नवरत्न हैं, इसके अलावा दोस्तों रुद्राक्ष है, ऐसी चीज़ें आप गले में धारण कर सकते हैं। पर आप उन चीज़ों को मत डालने की कोशिश करिए जिनके पैरों में संसार पड़ा हुआ है, उनको अपने गले की शोभा मत बढ़ाइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर किसी अच्छी जानकारी के साथ आपके प्रश्नों के उत्तर को लेकर जल्द आपकी सेवा में हाजिर होंगे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोगों को बहुत सुंदर लगी होगी, और आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि अज्ञानता के कारण लोग दुख के भव सागर में न फंसें, क्योंकि अज्ञानता ही है, और अज्ञानता के कारण ही हम भगवान को अपने गले का हार या फिर अपने गले का वस्त्र बनाने का प्रयास करते हैं, कपड़ों पे भगवान की प्रतिमाएं बनवा के गले में धारण करते हैं। भाई ऐसा मत कीजिएगा, वो देवता हैं, उनकी पावर को समझिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय गौ माता की, जय भारत माता की।